हेलो, वेलकम टू दसवों बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड को। ब्लड में हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट, और उसके बाद डब्ल्यूबीसी वगैरह और आरबीसी वगैरह फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे आ गए। पहले लेक्चर में आपको प्लाज्मा और इरिथ्रोसाइट्स की हम लोगों ने बात करी। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने डब्ल्यू बी सी की बात करी, और इस वाले में हम लोग प्लेटलेट्स और ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है, तीसरा लेक्चर ये मेरा आज का। तो प्लाज्मा और इरिथ्रोसाइट एक लेक्चर में, उसके बाद डब्ल्यू बी सी वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स की बात करी, और उसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं, और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं प्लेटलेट्स की। ठीक है जी, प्लेटलेट्स को थ्रम्बोसाइट्स भी कहते हैं, प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये मेगा कैरियोसाइट के टुकड़ों के में विखंडन से बनती है। प्लेटलेट्स बनते किससे हैं? प्लेटलेट्स, जिनको हम लोग थ्रम्बोसाइट्स भी कहते हैं, यह मेगा कैरियोसाइट अस्थि मज्जा के विशेष कोशिका, बोन मैरो की विशेष कोशिका, मेगा कैरियोसाइट, मेगा का मतलब बहुत बड़ी बड़ी, मेगा कैरियोसाइट के टुकड़ों में विखंडन से बनती है। तो मेगा कैरियोसाइट्स फ्रेगमेंट से बनती है, मेगा कैरियोसाइट्स के पीसेस के विखंडन से बनती है क्या? प्लेटलेट्स और थ्रम्बोसाइट्स। रक्त में इनकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। तो इनका जो नंबर है, नंबर ऑफ सेल्स इन प्रति, आप कहिए घन सेंट मिलीमीटर में, प्रति घन मिलीमीटर में हम लोग बता रहे हैं नंबर, 5 से 5.5 मिलियन था आपका प्रति घन मिलीमीटर क्यूब में आपका नंबर आरबीसी का। उसके बाद 6000 to 8000 था नंबर डब्ल्यूबीसी का प्रति पर मिलीमीटर क्यूब, और इनका है 1.5 लाख to 3.5 लाख प्रति घन किलो मिलीमीटर। प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करती है, जिसमें से अधिकांश रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है। प्लेटलेट्स जो है कई तरह के पदार्थ स्रावित कर रही है, एलिमेंट स्रावित कर रही है, जिनमें से अधिकांश रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है, विच आर हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटलेट। ब्लड क्लॉट को जमाने में, बनाने में इनका रोल है, जो प्लेटलेट्स द्रव्य स्रावित कर रही, पदार्थ स्रावित कर रही। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण स्कंदन में विकृति हो जाती। तो प्लेटलेट्स नंबर अगर कम होंगे तो ये ब्लड क्लॉट का बनना, वो उसमें डिफॉर्मिटी हो जाएगी, तथा शरीर से अधिक रक्तस्राव हो जाता। तो प्लेटलेट्स का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम प्रॉपर काम करता रहे। अगर प्लेटलेट नंबर कम हो जाएगा तो ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गई प्लेटलेट के बारे में जानकारी। चलिए, अब हम लोग आगे चलें अपना इसी लेक्चर में, दूसरा टॉपिक ब्लड ग्रुप। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड को, शुरुआत करी पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि ब्लड के दो पार्ट आप कर सकते हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा और संगठित पदार्थ, प्लाज्मा इसका फ्लूइड पार्ट है, 55% बना रहा है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स ब्लड जो इसमें रुधिर कणिकाएँ मिल रही हैं, लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका या प्लेटलेट्स, वो 45% बना रहा है। प्लाज्मा का फर्दर डिस्कशन किया, उसके बाद हम लोगों ने फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, फिर वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका, और आखिरी में आके प्लेटलेट्स का अभी 2-5 मिनट लिए आके और प्लेटलेट्स को डिस्कस किया। तो ब्लड का सेक्शन पूरा हो गया, इसमें आपके जो पूछा जाता है आरबीसी के नंबर वगैरह पूछे जाते हैं, आरबीसी में हीमोग्लोबिन उसका पूछा जाता है कितने परसेंट मिल रहा है एवरेज ह्यूमन बीइंग में, स्वस्थ में पूछा जाता है 12 से 16 हीमोग्लोबिन कैरी कर रहा है, कितना ml आपका 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1.34 ml ऑक्सीजन, यही बातें आपसे पूछी जाती हैं। डब्ल्यूबीसी के टाइप, ग्रैनुलोसाइट्स, ग्रैनुलोसाइट्स कितने परसेंट हैं ये पूछा जाता है, किसका क्या रोल है ये पूछा जाता है, प्लेटलेट्स का क्या रोल है ये पूछा जाता है। तो इसका हम लोग डिस्कशन कर चुके, आगे चलते हैं ब्लड ग्रुप पे आते हैं। ठीक है जी, चलिए ब्लड ग्रुप पे आइए। जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य का रक्त एक जैसा दिखते हुए भी कुछ हद्दों में भिन्न होता है। तो मनुष्य में रक्त जो है अलग अलग ब्लड ग्रुप के हैं, एक ही ब्लड ग्रुप का नहीं है। रक्त कई तरीके से समूहीकरण किया गया है, और इसका रक्त समूह जो बनाए गए हैं, ग्रुपिंग जो करी गई है, वो एक आधार नहीं है, कई सारे आधार हैं। इनमें से 2 प्रमुख समूह ABO समूह तथा RH का उपयोग पूरा विश्व करता है। तो कई तरह के ब्लड ग्रुप
कई तरह से इसकी ग्रुपिंग समूह बनाने के नियम प्रतिपादित, सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, कई तरह का बताया गया, लेकिन उनमें से दो मेन है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप रक्त समूह और आर एच रक्त समूह, हम लोग उसी को पढ़ेंगे। तो ए बी ओ रक्त समूह पे आइए। ए बी ओ समूह मुख्यतः लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर दो एंटीजन प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। तो लाल रुधिर कणिकाएं, ये भी हमारे शरीर की सेल्स हैं, इन पे दो तरह के एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस से ये डिफाइन हो रहा है। लाल रुधिर कणिकाएं, मानिए ये एंटीजन ए और ये एंटीजन बी, दो तरह के एंटीजन मिल सकते हैं, या एक ही तरह का या एक भी नहीं। उसी को आधार बना के कि भाई अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे ए बी ब्लड ग्रुप का, अगर एक एंटीजन ए केवल प्रेजेंट है हम कहेंगे ए एंटीजन का, अगर केवल बी प्रेजेंट है हम कहेंगे बी एंटीजन का, और अगर दोनों ही नहीं है तो हम बोलेंगे ये ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, तो एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति को आधार बना के, एंटीजन प्रतिजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति को आधार बना के हम लोग ग्रुपिंग कैटेगराइज कर देंगे। इस प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में दो प्रकार के ये जो ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग है, इसमें इस तरह के में व्यक्तियों में दो प्रकार के प्राकृतिक प्रतिरक्षी एंटीबॉडी मिलते हैं, शरीर प्रतिरोधी एंटीबॉडी मिलते हैं। प्रतिरक्षा वह प्रोटीन पदार्थ है, एंटीजन वह प्रोटीन है जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं। प्रतिरक्षी वह प्रोटीन पदार्थ है, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी, देखिए फिर से समझो भैया, दो चीज़ें हैं एंटीबॉडी और एंटीजन, प्रतिजन और प्रतिरक्षी। प्रति एंटीजन, प्रतिजन और प्रतिरक्षी। तो प्रतिजन एंटीजन दो तरह के हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, या एक या कोई भी नहीं, क्या। इस प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में दो प्रकार के प्राकृतिक प्रतिरक्षी एंटीबॉडी, तो व्यक्तियों में, ह्यूमन बीइंग में आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस, प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर ग्रुपिंग कर दी गई ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग की। तो दो तरह के एंटीजन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं, ए और बी, या एक भी नहीं या दोनों में से एक। और ये तो एंटीजन की बात हो गई, एंटीबॉडी क्या मिलेंगे। इस प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में दो प्रकार के प्राकृतिक एंटीबॉडी मिलते हैं। तो ये ए बी ओ ब्लड ग्रुप को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो दो तरह के एंटीजन हो सकते हैं और दो ही तरह की एंटीबॉडी हो सकती है। एंटीबॉडी किसमें होंगी, प्लाज्मा में होंगी। तो एंटीबॉडी प्रतिरक्षी वह प्रोटीन पदार्थ है, एंटीबॉडी प्रोटीन है जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं, प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होंगे। चार रक्त समूहों में ए बी, ए बी और ओ में प्रतिजन और प्रतिरक्षी की स्थिति देखते हैं। तो अगर देखिए लाल रुधिर कणिका पे अगर एंटीजन ए है किसी की, कहिए कि आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए है, तो एंटीबॉडी ए उसमें नहीं मिलेगा, उसमें एंटीबॉडी बी मिलेगा, और एंटीबॉडी बी मिलेगा प्लाज्मा में, एंटीजन ए होगा लाल रुधिर कणिका पे। सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी एक आदमी में नहीं मिलता। अगर उसकी आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एंटीजन ए उपस्थित है तो एंटीबॉडी बी मिलेगा प्लाज्मा में, और अगर उसकी आरबीसी की, बंदे की आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एंटीजन बी उपस्थित है तो एंटीबॉडी ए मिलेगा प्लाज्मा में, और अगर दोनों उपस्थित हैं ए और बी तो एंटीबॉडी ए भी नहीं मिलेगा प्लाज्मा में, और अगर दोनों अनुपस्थित हैं, दोनों ही नहीं हैं, ए और बी एंटीजन दोनों ही नहीं हैं, तो एंटीबॉडी ए और बी दोनों मिलेंगी प्लाज्मा में। आई बात समझ में, नहीं आई कोई बात नहीं, फिर से बताता हूँ, परेशान ना हो, क्योंकि ये खेल बहुत ज़रूरी है, इसको आप अच्छे से समझ लो। देखिए हम लोगों ने बताया ए और बी दो तरह के एंटीजन है, कहाँ है, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होते हैं ए और बी, या कोई कोई ह्यूमन बीइंग ऐसा होगा जिसमें ये दोनों ही हो, ए भी हो और बी भी हो, और कोई कोई ऐसा होगा जिसमें एक भी नहीं। तो जिस पे ए एंटीजन है आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ब्लड ग्रुप ए हो गया, जिसमें बी है वो ब्लड ग्रुप बी हो गया, जिसमें ए बी दोनों हैं वो ए बी ब्लड ग्रुप का हो गया, जिसमें ओ कोई भी नहीं वो ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है।
पहली बात। दूसरी बात समझिए, इधर तो हम लिख रहे हैं ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी और ओ। तो जो ए ब्लड ग्रुप का है उसकी आरबीसी पे कौन सा एंटीजन होगा? एंटीजन ए होगा। एंटीजन ए कहाँ होगा? आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। और एंटीबॉडी क्या होगा उसके में? उसमें एंटीबॉडी बी होगा। कहाँ होगा? ये होगा आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ये होगा प्लाज्मा में। एंटीबॉडी होता है प्लाज्मा में। बी ब्लड ग्रुप वाला, बी ब्लड ग्रुप वाला उसमें बी एंटीजन होगा उसकी आरबीसी पे, और एंटीबॉडी ए होगा प्लाज्मा में। ए बी ब्लड ग्रुप वाला, ए और बी दोनों होंगे और एंटीबॉडी एक भी नहीं होगा। और ओ ब्लड ग्रुप वाला, एंटीजन एक भी नहीं होगा, एंटीबॉडी दोनों होंगे प्लाज्मा में। ये कहानी हो गई, समझ गए जी आप? वेरी गुड, चलिए आगे चलें। तो ए बी, ए बी ओ प्रतिजन व प्रतिरक्षी की स्थिति दिखा दी, ब्लड ग्रुप ये इसने यहाँ पे बना दिया डायग्राम जो मैंने आपको समझा दिया। रक्तदाता समूह अभी इसको मैंने आपको डिस्कस नहीं किया, मैंने केवल ये पार्ट तीन कॉलम डिस्कस किए, इसको अभी समझा देंगे एक सेकंड में, चिंता ना करें, बने रहें। तो दाता व ग्राही व दाता के रक्त समूह को रक्त चढ़ाने से पहले सावधानीपूर्वक मिलान कर लेना चाहिए। अब आप देखें कि किसी कोई जा रहा है एक्स वाई जेड बंदा, और उसका हो गया एक्सीडेंट, ब्लड उसका निकल गया, उसको लेकर कहाँ पे? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ, कहाँ ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। जैसे आप देखते हो हमारे अकबर एंथोनी, पुरानी पिक्चरें देखते हो कि ब्लड चढ़ाना पड़ रहा तो ब्लड डोनेट हो गया। लेकिन जो ब्लड दे रहा है वो दाता है, और जो ब्लड ले रहा है वो ग्राही है। और दाता और ग्राही का ब्लड ग्रुप एक ही होना चाहिए। क्यों एक होना चाहिए? क्योंकि एंटीजन, एंटीजन जिसकी बॉडी में जो एंटीजन नहीं है। अब एक ये जो बात बताने जा रहे हैं ये कहीं एनसीईआरटी में लिखी नहीं, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट आप डेवलप कर लोगे तो बहुत आसानी से आप इस चीज़ को बता दोगे कि किस वाले ब्लड ग्रुप वाले बंदे को हम कौन सा ब्लड दे सकते हैं। बहुत आसानी से तुरंत बता दोगे। कॉन्सेप्ट आपने ये बनाना है कि किसी की भी बॉडी में जो एंटीजन ऑलरेडी है, आप वही एंटीजन बाहर से इंट्रोड्यूस कर सकते हो। बाहर से आप नया एंटीजन जो उसकी बॉडी में ऑलरेडी नहीं है इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। और बॉडी में एंटीजन कहाँ है? आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। अगर ए टाइप का ब्लड ग्रुप है उसका, तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी में क्या, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ए एंटीजन है। तो आप बाहर से उसको ए एंटीजन कंटेनिंग ब्लड ग्रुप ही दे सकते हो। तो ए एंटीजन ब्लड ग्रुप किस में होगा? या ऐसा आप ब्लड दे सकते हो जिसमें कोई नया एंटीजन उसकी बॉडी में नहीं आ रहा। तो आप उसको ए ब्लड ग्रुप दे सकते हो, ओ दे सकते हो, क्योंकि ओ पे कोई भी एंटीजन नहीं है। तो ओ तो आप आंख मूंद के किसी को भी दे दोगे, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप की आरबीसी जो है उस पे एंटीजन नहीं होता, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल डोनर सार्वभौमिक दाता कहते हैं। तो ओ का तो आप किसी को भी उठा के दे दोगे, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव किसी को भी उठा के दे दो आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ओ पॉजिटिव वाले को दे सकते हो आप, क्योंकि वो पॉजिटिव निगेटिव जो है वो आर एक ब्लड ग्रुपिंग को बता रहा, अभी उस पर हम नहीं आए। तो ए वाले को आप दोगे ए का, बी वाले को आप दोगे बी का, और ओ का ए बी वाले को, ए बी वाले को आप चारों में से कोई भी दे दो, क्योंकि उस पर दोनों ही एंटीजन पहले है। मैंने बोला आप बाहर से नया एंटीजन इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ए बी वाले को आप ओ भी दे सकते हो, ए भी दे सकते हो, बी भी दे सकते हो, ए बी भी दे सकते हो। और ओ वाले को आप केवल ओ दे सकते हो, क्योंकि अगर आपने ए दिया तो बाहर से नया एंटीजन आ गया, बी दिया बाहर से नया एंटीजन आ गया, ए भी दिया बाहर से नया एंटीजन आ गया। बाहर से नया एंटीजन हम बॉडी में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये आप एक फंडा बना लो तो आपको ये टेबल रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खट से खुद ही बता दोगे। तो दाता व ग्राही, दाता डोनर व ग्राही रिसेप्टर जो रिसीव कर रहा, के ब्लड ग्रुप का हम लोग को चढ़ाने से पहले सावधानीपूर्ण मिलान कर लेना चाहिए, हम लोग को मिला लेना चाहिए ब्लड ग्रुप, जिससे रक्त स्तंदन व आरबीसी के नष्ट होने जैसी गंभीर परेशानियां ना हो। क्योंकि अगर आप गलत ब्लड ग्रुप वाला गलत ब्लड चला दोगे तो क्लॉटिंग हो जाएगी, एग्लूटिफिकेशन हो जाएगा, आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। अगर एक ही मनुष्य की बॉडी में एंटीजन और एंटीबॉडी सेम, एंटीजन ए है और एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए भी है, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट कर जाएंगी, आरबीसी की लिसिस हो जाएगी, आरबीसी
खत्म हो जाएगी। दाता संयोजकता, डोनर कंपेटेबिलिटी, कि डोनर का ब्लड ग्रुप उसके साथ कॉम्पेटेबल है कि नहीं है, उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, तालिका 18.1 ये दर्शाया गया, जिसको मैंने आपको समझाने की भरकस चेष्टा करी है, आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। आगे चलिए, उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि रक्त समूह ओ सर्वदाता है, यूनिवर्सल डोनर है, किसी को भी दे दो इसका, क्योंकि इस पर एंटीजन है नहीं जो सभी समूहों को रक्त प्रदान कर सकता है, तथा रक्त समूह ए सर्व आदाता है, यह सर्वग्राही है, इसके पास दोनों एंटीजन पहले ही हैं, तो बाहर से नया एंटीजन इंट्रोड्यूस होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि उसके पास दोनों चीज़ें पहले ही हैं, तो उसको कोई भी दे दो। तो ये कैसा है, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है जो सभी प्रकार के रक्त समूहों से रक्त ले सकता है। ठीक है जी, ये आपका हो गया एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में जानकारी। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग निर्धारित कौन करता है, निर्धारित करता है जीन आई, जो कि सिचुए आपका यूनि, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में फर्दर बताया गया, और इसके तीन एलील हैं आई ए, आई बी और आई। फर्दर इसका डिस्कशन मेरा आप वो लेक्चर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर साइंटिस्ट थे जिन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग फॉर्म करी थी, ये बात लिख लीजिए। तो ये एक दो बातें छोटी थी यहाँ से लिख लीजिए, आगे चलता हूँ मैं, आर एच ब्लड ग्रुपिंग पे आता हूँ। आर एच समूह, यह एक अन्य एंटीजन आर एच है, तो ये भी आर एच समूह जो किया गया, आर एच ग्रुपिंग जो करी गई है, ये भी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आर एच एंटीजन पे करी गई है, जिनमें आर एच एंटीजन प्रेजेंट है वो आर एच पॉजिटिव, और जिनमें आर एच एंटीजन एबसेंट है वो आर एच निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले कहलाते हैं। यह एक अन्य एंटीजन आरएच है जो लगभग 80% पुरुषों में पाया जाता है, 80% ह्यूमन बीइंग में पाया जाएगा, तथा आरएच एंटीजन रेसिस बंदर में पाए जाने वाले एंटीजन के समान है। आरएच एंटीजन क्या है, यह रेसिस बंदर, रेसिस एक स्पीसीज है, रेसिस बंदर में पाया जाने वाला, उसी रेसिस बंदर, तो रेसिस बंदर में पाया जाने वाला एंटीजन के समान है, इसीलिए इसको आरएच एंटीजन बोलते हैं, बंदर में पाए जाने वाले एंटीजन के समान है। ऐसे व्यक्ति को जिसमें आरएच एंटीजन होता है, प्रेजेंट होता है, उसको आरएच सहित, आरएच पॉजिटिव, और जिसमें नहीं होता उसको आरएच हीन, आरएच निगेटिव कहते हैं। यदि आरएच रहित व्यक्ति के रक्त को आरएच पॉजिटिव के साथ मिलाया जाता है, अब इस पर ध्यान दो, बहुत ध्यान दो, यदि आरएच निगेटिव के व्यक्ति के रक्त को आरएच पॉजिटिव के साथ मिलाया जाता है, तो व्यक्ति में आरएच एंटीजन आर एच निगेटिव के विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षी बन जाती है, अर्थात रक्त आदान प्रदान के पहले आर एच समूह को मिलाना भी आवश्यक है। कह रहा है यदि आर एच निगेटिव व्यक्ति के रक्त को आर एच पॉजिटिव के साथ मिलाया जाता है, तो व्यक्ति में आर एच प्रतिजन आर एच निगेटिव के विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षी बन जाते हैं। किसी आर एच निगेटिव वाले ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अगर आप आर एच पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप दे दोगे, तो इसकी बॉडी में इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगी, प्रतिरक्षी बन जाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा, रक्त आदान प्रदान के पहले, अतः हमें क्या करना, रक्त आदान प्रदान के पहले आर एच समूह को मिलाना भी आवश्यक है। तो हम खाली ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग नहीं मिलाएंगे, हम आर एच ब्लड ग्रुपिंग भी मिलाएंगे, आर एच निगेटिव वाले को हम आर एच पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते। एक विशेष प्रकार की, इसलिए जब भी आप ब्लड डोनेट करोगे या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे, एक मरीज को ब्लड चढ़ाओगे, तो आप आर एच ब्लड ग्रुपिंग भी परफॉर्म करोगे। एक विशेष प्रकार की आर एच अयोग्यता को एक गर्भवती आर एच निगेटिव माता एवं उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण के आर एच पॉजिटिव के बीच पाई जाती है। इसी तरह का एक विशेष आपको देखने को मिलेगा, आर एच एवं कॉम्पेटेबिलिटी अयोग्यता देखने को मिलती है आर एच निगेटिव अगर मदर है और आर एच पॉजिटिव अगर फीटस है। आर एच निगेटिव मदर और आर एच पॉजिटिव फीटस के बीच में इस तरह की एक विशेष तरह की अयोग्यता देखने को मिलती है, एक विशेष प्रकार की आर एच अयोग्यता को। अब यहाँ से बहुत ध्यान से समझो, एक गर्भवती महिला जो आर एच निगेटिव है वो उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण के आर एच पॉजिटिव के बीच पाई जाती है। अपरा द्वारा पृथक रहने के कारण भ्रूण का, अपरा प्लासेंटा,
प्लासेंटा ये वो स्ट्रक्चर है, एक केक लाइक स्ट्रक्चर है जिससे ह्यूमन फीटस जुड़ा हुआ है, किससे, मदर से। तो ह्यूमन फीटस ये प्लासेंटा, ये हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड ये हमारा डेवलपिंग फीटस। तो डेवलपिंग फीटस को न्यूट्रिएंट की सप्लाई हो रही है वाया प्लासेंटा, वाया अम्बिलिकल कॉर्ड, और इससे नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव हो रहे हैं वाया प्लासेंटा, वाया अम्बिलिकल कॉर्ड। ऑक्सीजन जा रही है फीटस में, भ्रूण में, और CO2 वापस इधर आ रही है। तो प्लासेंटा की सहायता से, प्लासेंटा इज अ केक लाइक स्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंट और टेम्परेरी स्ट्रक्चर डेवलप्ड इन ओनली प्रेग्नेंट वूमेन। प्रेग्नेंट वूमेन में प्लासेंटा बनता है, प्लासेंटा में फीटस प्लासेंटा की सहायता से मदर के वूम से, यूटेरस से जुड़ा है। ठीक है, प्लासेंटा एक बैरियर भी बना रहा है, प्लासेंटा एक बैरियर भी बना रहा है चीज़ों का, उनके बीच आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन एक उनके बीच में बैरियर भी है प्लासेंटा। तो प्लासेंटा द्वारा पृथक रहने के कारण भ्रूण का RH एंटीजन संगर्भता में मादा के RH निगेटिव को प्रभावित नहीं कर पाता। अब ये RH पॉजिटिव जो डेवलप हो रहा फीटस, क्यों डेवलप हो रहा, क्योंकि उसका फादर RH पॉजिटिव था। तो फादर का जो जीन थे उसके स्पर्म में RH पॉजिटिव, और इधर से मदर के अंडे से RH निगेटिव, ये एलील जो है पॉजिटिव वाला ये डोमिनेंट है इसके ऊपर, निगेटिव के ऊपर। तो मानिए RH निगेटिव मदर से आया और RH पॉजिटिव फादर से आया एलील, उनकी वजह से जो फीटस का ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव है, मदर का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है, लेकिन इनके ब्लड आपस में मिल नहीं रहे, इनके ब्लड के बीच में एक बैरियर है प्लासेंटा, तो ब्लड का मिलान नहीं हो रहा। ये RH पॉजिटिव है और मदर RH निगेटिव है, लेकिन उनका ब्लड आपस में मिल नहीं रहा, मिल इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये अम्बिलिकल कॉर्ड में जो अम्बिलिकल वेन्स हैं इधर से आई फीटस से, वो नेटवर्क या एनास्मोसिस नहीं कर रही फीमेल की कैपिलरी से, ब्लड कैपिलरी से, उनके बीच में प्लासेंटा है। हाँ, चीज़ें डिफ्यूज होके इधर आ रही हैं, चीज़ें डिफ्यूज होके उधर जा रही हैं, लेकिन ब्लड नहीं मिल रहा, ब्लड के बीच में एक बैरियर है जिसको हम बोलते हैं प्लासेंटा अपरा। तो इसकी वजह से अगर ये RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला फीटस है भी, तो मदर RH निगेटिव है, तो मदर को एक्सपोजर नहीं हो रहा, मदर RH पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप के संपर्क में नहीं आ रही क्योंकि उनके बीच में बैरियर है। तो पहली प्रेगनेंसी हुई, पहला गर्भ हुआ, और जब बच्चे का पैदा हुआ, जब बच्चा पैदा होगा, आप जानते हैं बच्चा जब वूम से बाहर आएगा, बर्थ कैनाल से बाहर आएगा, और आप उसकी नाड़ काटोगे, तब ऐसा ज़रूर होगा कि बच्चे का कुछ ब्लड माता के ब्लड के संपर्क में आ जाए। अभी तक तो नहीं आया था, प्रेगनेंसी जब ख़त्म हुई, टेन्योर ख़त्म हुआ, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होते समय ऐसा जरूर होगा, अवश्य भावी है, ये हो नहीं सकता कि बच्चे का ब्लड माता के ब्लड के संपर्क में ना आए, क्योंकि उस समय नाड़ काटी जाएगी, नाड़ अम्बिलिकल कॉर्ड जिससे वो जुड़ा हुआ। तो जब तक प्रेगनेंसी रही तब तक तो दिक्कत नहीं हुई, अपरा द्वारा पृथक होने के कारण, क्योंकि प्लासेंटा बैरियर है, भ्रूण का RH पॉजिटिव प्रेगनेंसी में माता के RH नेगेटिव को प्रभावित नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी पहले प्रसव के समय जब प्रसव हुआ, बच्चा पैदा हुआ, माता के RH नेगेटिव रक्त से शिशु के RH पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आने की संभावना रहती है, होएगा ही, संपर्क हो जाएगा, ऐसी दशा में माता के रक्त में RH एंटीबॉडी बनना प्रारंभ हो जाएंगी। तो माता में RH एंटीजन है नहीं, एंटीजन बाहर से आया, मैंने बोला ना नया एंटीजन आप बाहर से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, अब इसमें नया एंटीजन आ गया, माता के ब्लड में नया एंटीजन आ गया, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करेगा, तुरंत उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देगा, RH एंटीबॉडी बन जाएगी। ठीक है, ऐसी दशा में माता के रक्त में RH एंटीबॉडी प्रारंभ हो गई, यह प्रतिरोध में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है, तो एंटीबॉडी RH प्रतिरक्षी बनना शुरू हो जाते हैं और एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगे। यदि परिवर्ती गर्भावस्था होती, अब एक साल बाद, दो साल बाद, ये जो कपल था, मिस्टर गुप्ता या मिस्टर श्रीवास्तव या समथिंग, जो भी मिस्टर मौर्य जो भी थे, अब इनको फिर से ज़रूरत हुई कि हम अपनी फैमिली को एक्सपेंड करें, अपनी फैमिली को पूर्ण करें, तो इनकी फिर से प्रेगनेंसी हुई इस लेडी की,
अब इस बार फिर से मानो सपोज 2-3 साल बाद भी इस बार फिर से उसका फीटस पॉजिटिव बन जाए, तो रक्त से आरएच नेगेटिव भ्रूण के रक्त में आरएच प्रतिरक्षी का रिसाव हो सकता है। तो यहाँ पे जो एंटीबॉडीज बनी थी उसमें मेमोरी सेल्स भी थी। अब आपको 2-3 साल बाद क्या वो जिंदा बनी रही? हाँ बनी रही। 2-3 साल बीतने के बाद भी जो एंटीबॉडीज उसमें बनी थी उसमें कुछ मेमोरी सेल्स थी, जो मेमोरी सेल्स इसलिए स्टोर कर ली गई कि जो आने वाले समय में अगर फिर से एक्सपोजर होगा तो हम बहुत बड़े पैमाने पे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, जो हमारे इम्यून सिस्टम का तरीका है प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स का, कि पहली बार जब आप एंटीजन के किसी नए एंटीजन के संपर्क में आते हो, आप आजकल करोना आप सुन रहे हो ना बूस्टर डोज, तो पहले आपको एक डोज लगाई गई, आपकी बॉडी में नया करोना वायरस डाला गया जो कि किल्ड है या एटीन्यूएटेड है, कमज़ोर है, वीकेंड है, ताकि आपकी बॉडी उसमें एंटीबॉडी बना के जीत ले। और फिर बूस्टर डोज 2-3-4-6 महीने बाद या 1-2 साल बाद जब आपको बूस्टर डोज दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी सेल्स बन गई है पहले एक्सपोजर से, तो दूसरे एक्सपोजर पे ज़्यादा तगड़े से रिस्पॉन्स करेगा आपका इम्यून सिस्टम। वही चीज़ यहाँ पे है कि आरएच एंटीबॉडी माता की बॉडी में तैयार है 1-2-3-4 साल जब सेकेंड प्रेगनेंसी हुई और चांस की बात वो भी आरएच पॉजिटिव फीटस हुआ, तो इस बार पहले ही माता तैयार है। और ये जो एंटीबॉडी बनी है ये लीक होके इधर आ जाएंगी। आपको जी पिछली बार क्यों नहीं लीक हुई? पिछली बार लीक इसलिए नहीं हुई, पहली बार तो थी नहीं, उसको एक्सपोजर हुआ ही नहीं था। तो इस बार कैसे हो गया या इस बार एंटीबॉडीज इधर कैसे आ गई? क्योंकि प्लासेंटा बैरियर को क्रॉस कर सकती है आईजीजी टाइप की एंटीबॉडी। ये हम लोग पढ़ेंगे एंटीबॉडीज 4 तरह की, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई। इसमें से केवल ये एंटीबॉडी केवल ऐसी है आईजीजी जो प्लासेंटा बैरियर को क्रॉस कर सकती है, और ये आरएच एंटीबॉडी ऐसी है जो आईजीजी कैटेगरी की है। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी नहीं है लेकिन आप लोग इस बात को समझ लो, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, ये 4 तरह की एंटीबॉडी जब ह्यूमन हेल्थ हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर, वहाँ पे इसका डिस्कशन किया जाएगा। 4 तरह की एंटीबॉडीज है आईजीजी, इसमें से केवल ये कैटेगरी की एंटीबॉडी ऐसी है जो प्लासेंटा बैरियर को क्रॉस कर जाती है, या जो प्लासेंटा का बैरियर बांध बना हुआ, क्योंकि आरएच एंटीबॉडी जो मदर में बन गई थी पहले प्रसव की समाप्ति पे, वो इसी ग्रुप की है, आईजीजी ग्रुप की है। वो 2-3 साल से इंतज़ार कर रही कि भविष्य में कभी इस तरह का फिर से हो जाए कि आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हमारे संपर्क में आ जाएं तो हम बड़े पैमाने पे एंटीबॉडीज बना देंगे। तो जैसे ही आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इधर बना, वो एंटीबॉडी इधर आके जाके देख रही है, इधर आ रही है, जा रही है, आ रही जा रही, देख रही है कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो जैसे ही आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बना, ये एंटीबॉडीज मेमोरी सेल स्टिमुलेट होंगी और बहुत बड़े पैमाने पे प्रोलिफरेट, बहुत बड़े पैमाने पे आरएच एंटीबॉडी डेवलप कर देंगी, जिससे ये फीटस के आरबीसी का मास डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, बहुत बड़े पैमाने पे मारकाट हो जाएगी, तो फीटस का बचना मुश्किल है। आ गई पूरी बात समझ में? यह प्रतिरोध में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है, एंटीबॉडी बनने लगेगी। यदि परिवर्ती गर्भावस्था रिकरेंट बाद में परिवर्ती एक बार फिर से कोई गर्भावस्था हुई जो रक्त से आरएच नेगेटिव भ्रूण के रक्त में आरएच प्रतिरक्षी का रिसाव हो सकता है, तो उस केस में अगर फिर से प्रेगनेंसी हुई और आरएच पॉजिटिव हुई तो रक्त से भ्रूण के रक्त में, तो माता के रक्त से जो आरएच नेगेटिव है भ्रूण के रक्त में जो आरएच पॉजिटिव है आरएच एंटीबॉडी का रिसाव हो जाएगा, हो सकता है पार कर सकता है, इससे भ्रूण की लाल उदर कणिकाएं नष्ट हो जाएंगी या भ्रूण के लिए जानलेवा हो सकता है या उसमें रक्ताल्पलता हो सकती है, या तो बहुत बड़े पैमाने पे, इतने बड़े पैमाने पे कि वो जानलेवा, या एकदम उसमें एनीमिया इतनी ज़्यादा कि मार कट हो गई, एनीमिया हो गया और पीलिया हो सकता है। ऐसी दशा को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं, और इस दशा को, इस अवस्था को हम लोग इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए माता को प्रसव के तुरंत बाद, और अगर ये स्थिति है, अगर माता आरएच नेगेटिव है और फीटस आरएच पॉजिटिव है, तो पहली प्रेगनेंसी जैसे ही बच्चे पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के बाद आप एंटी आरएच
एंटीआरएच एंटीबॉडी उसको दोगे मदर को, तो आरएच प्रतिरक्षी का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। माता को प्रसव के तुरंत बाद एंटी आरएच हम लोग देंगे। एंटीआरएच का मतलब है एंटीबॉडी आरएच के विपरीत, एंटीआरएच का हम लोग आरएच प्रतिरक्षी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया एरिथ्रोब्लास्टोसिस विटैलिस। अब अगले लेक्चर में हम लोग रक्त का स्राव, रक्त स्कंदन, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, रक्त स्कंदन। ओके, तो इस वाले लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइए। अगले लेक्चर में हम लोग रक्त का जमाव या कहिए कि रक्त स्कंदन की बात करेंगे। रक्त स्कंदन, चलिए इसी में कर लेते हैं। अगला क्या लेक्चर क्या ब्रेक करना है, इसी में चल रहा है, चलिए इसी में चलाते हैं। किसी चोट या घात की प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त स्कंदन होता है, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट, ब्लड का थक्का बन जाना। तो चोट लग गई आपके या घात किसी ने मिला के एक दे दिया, चोट या घात की प्रतिक्रिया स्वरूप और आपके ब्लीडिंग होने लगी तो रक्त स्कंदन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट हो जाएगा। यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रक्त को बहने से रोकती, तो एक तरह का डिफेंसिव मैकेनिज्म है, आपका डिफेंस सिस्टम है हमारा कि हमारी बॉडी से एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो जाए, ब्लड को बहने से रोकती। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? आपने किसी चोट घात या घाव पर कुछ समय के लिए गहरे लाल व भूरे रंग का झागसा अवश्य देखा होगा। जब भी चोट लगती है तो ब्लीडिंग हो रही, तो ब्लीडिंग के कुछ समय में 8-10 मिनट के बाद आप देखोगे गहरे लाल या भूरे रंग का झागसा एक स्कम सा बन जाता है, गहरे लाल रंग का या भूरे से रंग का एक झाग सा बन जाता है। यह रक्त का स्कंदन या थक्का, और ये क्या है, ये रक्त का स्कंदन क्लॉटिंग है, क्लॉट है, थक्का है, जो मुख्यतः फाइब्रिन धागे के जाल से बनता है। तो फाइब्रिन धागा और उस धागे के जाल जाल से बन गए, और उस जाल में यहाँ पे प्लेटलेट्स और डिफरेंट ये रुधिर कणिकाएं ट्रैप हो जाती हैं, और ये एक तरह का एम सील जैसे लगा के आप अपनी पाइप को चोक कर देते हो, तो वो जाल सा बन गया और उसमें थक्का बन जाता है। इस जाल में मरे हुए तथा क्षतिग्रस्त संगठित ऊतक भी पदार्थ भी उलझे होते हैं, और इस जाल में ये जाल जो बन गया इसमें जो टिशू का भाई चोट लगी तो टिशू भी कुछ टूट फूट होगी, तो टूटे फूटे टिश्यूज, मरे टिश्यूज तथा क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या WBC RBC वगैरह, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी इसमें ट्रैप हो गए, डेड टिश्यूज भी इसमें ट्रैप हो गए, तो एक जाल बना, जाल में चीज़ें फंस गई, उसमें थक्का बन गया। फाइब्रिन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन से बनती, फाइब्रिनोजन से बनी है फाइब्रिन, और फाइब्रिनोजन का कन्वर्जन फाइब्रिन में करवाया है किसने, फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में कन्वर्जन करवाया है एंजाइम थ्रोम्बिन ने। तो फिर से देखो, फाइब्रिन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन से बनती है। तो फाइब्रिनोजन, अभी हम लोग याद करिए, प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन आपने पढ़े थे ना भाई, जो 6-8% होते हैं, जिसमें फाइब्रिनोजन भी था, जिसमें एल्बुमिन भी था और जिसमें ग्लोबुलिन भी था। तो इसमें आप याद करिए, फाइब्रिनोजन किस काम आ रहा था, रक्त का थक्का बनाने में, वही फाइब्रिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन जो बनी तो लीवर में, प्लाज्मा में आ गई है, और ये फाइब्रिनोजन का कन्वर्जन फाइब्रिन में रेशे थ्रेड में कर दिया गया, किसके द्वारा, थ्रोम्बिन के द्वारा। ठीक है, थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से हुई है। अब ये थ्रोम्बिन कहाँ से आ गया, तो थ्रोम्बिन आ गया प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन, प्रोथ्रोम्बिन
का कन्वर्जन हुआ है थ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन को बदला गया है थ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से होती है, इसके लिए थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन थ्रोम्बिन में हुआ है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है जी। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन या एक्टिवेशन थ्रोम्बिन में हुआ, उस थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदला। तो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल दिया गया है। यह एंजाइम समूह रक्त प्लाज्मा में उपस्थित अनेक निष्क्रिय प्रतिकारकों की सहायता से एक के बाद एक अनेक एंजाइमी प्रतिक्रिया की श्रृंखला से बनता है। और प्रोथ्रोम्बिनेज का कन्वर्जन, देखिए प्रोथ्रोम्बिन बदला गया है थ्रोम्बिन में इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। उसके बाद ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को बदल देगा, किस में, फाइब्रिन में। ये थ्रोम्बिन, तो थ्रोम्बोकाइनेज कैसे बना, थ्रोम्बोकाइनेज कह रहा कि खूब सारे, कई सारे हमारे यहाँ पे फैक्टर्स थे जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो निष्क्रिय अवस्था में प्लाज्मा में, उनमें कई सारे यह एंजाइम समूह रक्त प्लाज्मा में उपस्थित अनेक कई सारे निष्क्रिय इनएक्टिव फैक्टर्स की सहायता से एक के बाद एक कैस्केड रिएक्शन हम लोग बोलते हैं, एक के बाद एक लगातार अनेक एंजाइमी प्रतिक्रिया की श्रृंखला से बनता है। तो कैस्केड रिएक्शन एक के बाद एक, इसका कन्वर्जन इसमें, इसका कन्वर्जन इसमें, इसका कन्वर्जन इसमें, इसका कन्वर्जन इसमें, तो हमारा थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम समूह तैयार हो गया। और ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम समूह जो इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर थे प्लाज्मा में, उनके कैस्केड रिएक्शन से बना ये थ्रोम्बोकाइनेज ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदला। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ था, प्रोथ्रोम्बिन हमारा प्लाज्मा में था। तो इसमें थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की आवश्यकता होती है जो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है, ठीक है। तो ये अनेक एंजाइमेटिक रिएक्शन हुए जिससे थ्रोम्बोकाइनेज बना, थ्रोम्बोकाइनेज ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदला, थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदला, जो रेशे जैसे हैं, धागे जैसे हैं थ्रेड। और ये जब बना लेगा जहाँ पे टिश्यू रप्चर हुआ, चोट लगी है नेटवर्क, तो उसमें ट्रैप हो जाएंगे डेड टिश्यूज़ और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एक चोट या घात रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स को विशेष कारकों को मुक्त करने के लिए प्रेरित करती। तो ये चालू कैसे हुआ, प्रोसेस चालू हुआ जब आपके चोट लगी, चोट लगने पे या घात लगने पे प्लेटलेट्स वगैरह भी, एक तो टिश्यू वहाँ पर डिस्टर्ब हुए, टिश्यू रप्चर हुए, टिश्यू ने कुछ फैक्टर्स रिलीज़ किए, जो टिश्यू रप्चर हुए हैं, डेड हुए हैं, टिश्यू कुछ फैक्टर रिलीज करता है, साथ में प्लेटलेट्स कुछ फैक्टर रिलीज करता है, और उनके रिलीज से ये प्रोसेस चालू हो जाता है। तो प्लेटलेट फैक्टर्स और आप कहेंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज बाय टिश्यूज, टिश्यूज ने जो सम फैक्टर्स रिलीज किए, प्लेटलेट फैक्टर रिलीज हुए, उनसे ये कन्वर्जन जो डिफरेंट तरह के क्लॉटिंग फैक्टर्स जो ब्लड में हैं इनएक्टिव फॉर्म में, उनमें कैस्केड रिएक्शन चालू हो जाएगा और उन रिएक्शंस के फलस्वरूप थ्रोम्बोकाइनेज बनेगा। कैल्शियम का भी होना जरूरी है इस प्रोसेस में, कैल्शियम को यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन याद रखिएगा कैल्शियम का भी रोल है ब्लड क्लॉटिंग में, जिससे स्कंदन की प्रक्रिया शुरू हो जाती। क्षतिग्रस्त ऊतकों को चोट की जगह पर कुछ कारक मुक्त होते हैं, तो जो ऊतक क्षतिग्रस्त हुए वो भी कुछ कारक रिलीज कर रहे हैं जो स्कंदन को प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रतिक्रिया में कैल्शियम आयन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण दिया हुआ है आखिरी में, इस प्रक्रिया में कैल्शियम आयन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है खूब सारे यहाँ पे हमारे 13 इफेक्टर होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में है, ये फैक्टर का कन्वर्जन, ये सब लिंक्ड रिएक्शन है, कैस्केड रिएक्शन कहलाते हैं। जब भी चोट लगेगी तो टिश्यू कुछ फैक्टर रिलीज करेगा और प्लेटलेट्स कुछ फैक्टर रिलीज करेंगी, प्लेटलेट्स रिलीजिंग फैक्टर, वो क्या करेंगे रिएक्शंस को एक्टिवेट कर देंगे और यहाँ बन जाएगा क्या, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन फिर फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलेगा, और फाइब्रिन का जब नेटवर्क बन जाएगा तब उसमें ट्रैप हो जाएंगे डेड कुछ टिश्यूज के सेल्स और कुछ फॉर्म एलिमेंट्स, और यहाँ पे थक्का
बन जाएगा। क्लियर? तो यह था आपका रुधिर थक्का बनने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी। अब अगला हम लोग का आ रहा है लसी का ऊतक द्रव्य। ठीक है जी, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लसी का और परिसंचरण पथ की बात करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइए, ब्रेक लीजिए, लौट के आइए, मैं आपकी इंतजार कर रहा हूँ। मेरे लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहे हैं, हिट द लाइक बटन, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड लक, बाय।